भले ही सरकार विकास के लाखों दावे कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां विकास के दावे हवा में दिखाई देते हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा की अंतर्गत ग्राम पंचायत सलौल की वार्ड नंबर 5 के लिए तरखानगढ़ से जिगला चतरेड़ा के लिए बनी सड़क की तार कोल उखड़ गई है। वहीं इस पर स्थानीय ग्रामीणों की सरकार व प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस सड़क की दुरुस्ती की मांग कई बार विभाग के समक्ष रखी है, लेकिन अभी तक इस सड़क पर तार कोल नहीं बिछ पाई है। वहीं एक बार फिर ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस सड़क को ठीक किया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके, क्योंकि सड़क की खस्ता हालत होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लंज सब डिवीजन के सहायक अभियंता अनुराग चौधरी ने कहा कि 15 दिनों में इस सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। सड़क की समस्या है, तार कोर नहीं डला है, ये डलना चाहिए। और बड़ोटू से ततवाणी जो है लिंक हमारा शमशान घाट है नीचे, इसे जोड़ना चाहिए। आने जाने की समस्या होती है, ये है मेन मुद्दा। औरतों का डिपू का राशन लेना हो तो गाड़ी करके जाना पड़ता है, और गड्ढे इतने हैं कि एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। रास्ते की समस्या है, 2012 में बना था, अभी तक इसमें लुक नहीं बनी, 10 साल हो गए। अभी ऑनलाइन कम्प्लेने भी डाली है 1100 CM हेल्पलाइन नंबर में, उसमें आए थे विभाग पर, वो ऐसे टालते रहे। कुछ बोलते हैं आप ऐसे 1100 नंबर कॉल करते रहते हैं। अभी वो फिर टेंडर हुआ है, पर उसका भी अभी काम नहीं लगा है। अभी अप्रैल में बोल रहे थे लगा देना काम, पर अभी नहीं लगा। मई हो गया, अभी बरसात आ जाएगी, फिर बोलेंगे अगले साल। फिर ऐसे ऐसे टालते रहते हैं। पिछले साल से टेंडर हुआ है पर अभी काम नहीं लगा है। समस्या ये है रोड की, देखो सर, 2012 में ये रोड बनना शुरू हुआ था और 2013 में इसमें टायरिंग वगैरह हुई थी, कोलतार वगैरह डाला था। उस टाइम भी इन्होंने कोलतार ढंग से नहीं डाला। आज आप सड़क की हालत देखो, सड़क में घास उगाई है सर, कोलतार तो बरसात में या कोलतार दिखाई नहीं देता सर, कहाँ है कहाँ नहीं। और दूसरा देखो, सारी की सारी सड़क जो उखड़ी हुई है सर। 2000 हम इस विभाग के पीछे 5 साल के बाद लगे हुए थे कि आप इसमें कोलतार डालो, लेकिन हर बार टाल मटोल करता विभाग सर। पिछली बार भी इन्होंने कहा कि हम पीछे कंक्रीट का काम लगा हुआ, और कंक्रीट के काम के बाद हम जैसे कंक्रीट का काम खत्म होगा तो हम आपने से कोलतार जो है वो डाल देंगे। लेकिन कंक्रीट का काम भी खत्म हो गया, गर्मियां भी खत्म हो गई, फिर कहने लगे बरसात शुरू होगी। बरसात शुरू होने के बाद इन्होंने कहा कि बरसात के बाद डालेंगे। बरसात के बाद भी इन्होंने फिर इनसे संपर्क किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया सर। उसके बाद फिर कहने लगे कि आपका टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया और अब दोबारा टेंडर होगा इसका। अब इस बार भी, इस साल भी हम गए इनके पास, विभाग के पास PWD लंज में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अप्रैल महीने में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। अप्रैल महीना भी खत्म हो गया, अब मई महीना शुरू हो गया, मई महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी, फिर ये कहेंगे कि बरसात के बाद बरसात। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।